उसका एक्सपेंडिचर भी मौजूद है, उसके लिए एडीपी में स्कीमें भी मौजूद है, डेवलपमेंट से भी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रखा, नॉन डेवलपमेंट से भी हमने फॉरेस्ट सब्जेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट रखी, एलोकेशन तो हमने कर दिया, बजट का हिस्सा तो बना दिया, बैग तो काट दिया। अपने दिल पे हाथ रखे, क्या गिलगित बल्तिस्तान में फॉरेस्ट बड़ा है या कम हुआ है? ये सवाल है मेरे लिए, जंगलात कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? अगर जंगलात का एरिया बढ़ गया है, अगर जंगलात के ऊपर मतलब हमने बहुत ज्यादा कमाल किया है, तो फिर हमें मतलब इसका प्राइड लेना होगा। अगर नहीं, इसके ऊपर हम पीछे हैं, या इस पूरे इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी हम वो मतलूबा नतज हासिल नहीं कर पा रहे, तो कहीं पे कोई फॉल्ट है जिसको ढूंढ के ठीक करने की जरूरत है। आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट का बजट देख के या उसके एक्सपेंडिचर देख के मतलब रोंगटे खड़े होते। जराइम जो है, अब फर्ज करें बल्तिस्तान में जराइम 0% है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रोल है? पुलिस डिपार्टमेंट का तो कोई रोल है नहीं। अब अखराजात को देखे, कारकर्दगी को देखे। अब इस वक्त मौजूदा वक्त में जितनी चोरी चकारी डाका जरी गिलगित बल्तिस्तान में फैल रही है, उस हवाले से हम देखते हैं और पुलिस की हम कारकर्दगी को जब हम देखते हैं, तो उसके ऊपर भी दवालिया निशान। एक तो ये सवाल, दूसरी बात ये है कि हमारा पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो खुद मजलूम है, एक मजलूम तरीन डिपार्टमेंट है पुलिस का। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को देख के और पंजाब की पुलिस को देख के हम हैरान हो। इधर तो वो अपना सिपाही भी आइए तब्दील नहीं कर सकता। मतलब इस पुलिस रिफॉर्म के ऊपर एक बिल आया, वो बिल पता नहीं कहां कहां पे रकावटों में फंसा हुआ, इधर आने नहीं दिया जाता। उसकी वजह क्या है कि आईजी अपनी फोर्स को चलाने के लिए अख्तियारमंद नहीं है। जब आईजी साहब अपने फोर्स को चलाने के लिए अख्तियारमंद ना हो, उस सूरत में उस डिपार्टमेंट का रोल क्या हो? मैं वजीर दाखिला साहब, ये आपका डिपार्टमेंट है, देखें इसको। अब आते हैं जी थोड़ा सा रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, आप खुद देखें इस गिलगित बल्तिस्तान में जनवन इंतकाल से ज्यादा जारी इंतकाल होता है। एक तो जनवन इंतकाल है ना, जारी इंतकाल सबसे ज्यादा होता है। इनके अखराजात को देखें, ये रेवेन्यू के अलावा बहुत सारा काम वो तो कर लेते हैं, लेकिन रेवेन्यू वाला काम इनको इन लोगों से ठीक नहीं होगा। अब आते हैं हमारे अनवर साहब के डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है। क्या एग्रीकल्चर जो हमारे आबाओ अजदाद कर रहे थे उस जमाने में और आज के जमाने में, एग्रीकल्चर कम हुआ या ज्यादा हुआ? एग्रीकल्चर तो कम हो गया। और सबसे बड़ा मसला हमारे लिए जो आएगा आइंदा, वो है लाइफ स्टॉक की कमी, लाइफ स्टॉक की कमी। हम तो उस खित्ते में रहते हैं जहां पर लाइफ स्टॉक का हमें कहा जाता है कि हम हेडक्वार्टर हो सकते हैं, हमारा पोटेंशियल ही लाइफ स्टॉक का है। हम ऐसे जगह में रहते हैं जहां पर नायाब लाइफ स्टॉक हो सकते हैं, तो हमारे पास लाइफ स्टॉक आज उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे पहले था। फिशरीज को ले लें, और फिशरीज का जो पोटेंशियल गिलगित बल्तिस्तान में है बिल्कुल ट्राउट फिश का, अगर आप सिर्फ
ट्राउट फिश की अफजाइश के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करें, एक गवर्नमेंट फोकस करे एक साल दो साल, ये हमसाय मुल्क है हमारे पास नजदीक।